नमस्कार ऑल द स्टूडेंट, माई सेल्फ उमेश कुमार शिखावत एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच द नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 4 इन केमिकल काइनेटिक्स एंड टुडेज टॉपिक इज द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड रेट एक्सप्रेशन, स्टाइक्योमेट्रिक एंड द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शंस एंड देन डिस्कस द रेट लॉ, एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड मल्टी स्टेप रिएक्शंस ऑल्सो. नाउ टुडेज टॉपिक इज द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन. व्हाट इज द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन. और कैन से दैट द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मे बी एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स taking part in an elementary reaction. Already know that what is the elementary reaction, that is one step reaction is called as elementary reaction, which must collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction is called molecularity of a reaction. For example, the reaction is NH4NO2 converted into N2 plus 2H2O. Now for this reaction, जब हम मॉलिक्युलैरिटी पूछी जाएगी तो हम क्या कहेंगे? द मॉलिक्युलैरिटी फॉर दिस रिएक्शन, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हैं? 1. इट मीन्स दैट द मॉलिक्युलैरिटी फॉर दिस रिएक्शन इज M इक्वल्स टू 1. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रिएक्शन मे बी दैट इज 2HI converted into H2 plus I2. For this reaction, the molecularity is the two reacting species are participate in this reaction as a reactant. So the molecularity is 2. Now the next example, 2SO2 plus O2 converted into 2SO3. Now for this reaction, the molecularity, the two reactants are present in this reaction. So one reactant is SO2 and the second is O2. Two molecules of SO2 and the one molecule of O2. It means that 2 plus 1. So the molecularity is 3. Now this is the molecularity of a reaction. Some important points about the molecularity of a reaction. The first point is that it is theoretical concept. It is not an experiment. That is, a molecularity is a theoretical concept. The total number of reacting species of elementary reaction. जब हम मॉलिक्युलैरिटी की बात करेंगे तो एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करेंगे. इट मीन्स दैट वन स्टेप रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है मॉलिक्युलैरिटी. नाउ कांट बी जीरो, जीरो मॉलिक्युलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती. नाउ कांट बी इन अ फ्रैक्शन, कभी भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी. जैसे 1/2, 3/2. सो फ्रैक्शन में कभी भी वैल्यूज नहीं आएगी फॉर द मॉलिक्युलैरिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज द मॉलिक्युलैरिटी मोर देन 3 हैज नो सिग्निफिकेंस. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज 4NH3 प्लस SO2 कन्वर्टेड इंटू 4NO प्लस 6H2O. फॉर दिस रिएक्शन द मॉलिक्युलैरिटी इज अ 5 एंड मोर देन 3. 3 से अगर ज्यादा किसी की मॉलिक्युलैरिटी होती है, हैव नो सिग्निफिकेंस. एंड वॉट इज द रीजन वाई द मॉलिक्युलैरिटी मोर देन 3 हैज नो सिग्निफिकेंस? द रीजन इज दैट एज अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इंक्रीजेस, their change of simultaneous collision and due to the reacting species increases, the simultaneous collision decreases. That's why the molecularity more than 3 has no significance. Now the next topic is order of reaction. Order of reactions can be defined by the different definitions. The first is the sum of the powers or exponents to which the concentration term
आर रेज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. फॉर द एग्जाम्पल द एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट. फॉर दिस रिएक्शन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज द आर इक्वल्स टू के द कंसेंट्रेशन ऑफ ए द कंसेंट्रेशन ऑफ बी एंड द एक्स एंड वाई इसमें चला जाएगा पावर टू. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन हम क्या कह रहे हैं द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ऑन विच द रेट डिपेंड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एंड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन. सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट. सो एक्स प्लस वाई और जो वैल्यू आएगी एंड दिस वैल्यू इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ सम पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज द एक्सपेरिमेंटल फैक्टर. जब हमने मॉलिक्युलरिटी की बात की थी हमने क्या कहा द मॉलिक्युलरिटी वॉज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल फैक्टर. एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट कैन बी जीरो. जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो जीरो भी हो सकता है. कैन बी फ्रैक्शन वैल्यू. इट टेल अस अबाउट द स्लो स्टेप इन द मैकेनिज्म एंड हैंस गिव सम क्लू अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. यानी जो भी रिएक्शन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन है मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो उसमें जो मैकेनिज्म है उसके बारे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें बताता है. प्लस जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है द स्लोएस्ट स्टेप एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अ आरडीएस स्टेप दैट इज रे डिटरमाइनिंग स्टेप. फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन इज एनओ टू प्लस सीओ कन्वर्टेड इन टू सीओ टू प्लस एनओ. दिस इज अ सिंपल रिएक्शन बट दिस रिएक्शन इज नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन. दिस इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन. इट मीन्स दैट एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है और जो इसकी स्टेप्स है उसमें से जो स्लो स्टेप होगी वो डिसाइड करेगी वो उस पर रेट जो है वो डिपेंड करेगी. सो दैट स्टेप इज डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो द स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट स्टेप दैट इज एनओ टू प्लस एनओ टू. NO2 NO2 के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे एंड कन्वर्टेड इनटू NO प्लस NO3 एंड देन NO3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इन द सेकेंड स्टेप एंड कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस NO2. नाउ इन दिस रिएक्शन द NO3 कट हो जाएगा एंड NO2 NO2 आल्सो कट और हमारे पास में क्या बनेगा दैट इज एनओ टू रिएक्ट विथ सीओ एंड द कन्वर्टेड टू सीओ टू प्लस एनओ. बट इन जब हम बात करते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन है दो स्टेप में कंप्लीट होती है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन विच द फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप. ये जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है जबकि ये क्या है फास्ट स्टेप है. सो जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो रेट एक्सप्रेशन जो रेट लॉ लिखा जाएगा वो किस तरह से लिखा जाएगा आर इक्वल्स टू के एंड डिपेंड ऑन द स्लो स्टेप. और स्लो स्टेप क्या कहता है द एनओ टू कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ टू कितने मॉलिक्यूल्स है दैट इज टू. सो दिस रिएक्शन इज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड द ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन इज ऑर्डर इक्वल्स टू दैट इज टू सम ऑफ द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट. नाउ यहां पे इन पे डिपेंड कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रेट एक्सप्रेशन. तो रेट एक्सप्रेशन किसके बिहाफ पे लिखा गया है स्लोएस्ट स्टेप. सो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो मैकेनिज्म रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है. द नेक्स्ट रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट रिएक्शन इज 3ClO- कन्वर्टेड इंटू CLO3 minus plus
2Cl minus. In this reaction, the again two step follow this reaction to complete. Now step one, in which ClO minus plus ClO minus, the two molecule of ClO minus converted into ClO2 minus plus Cl minus, and again the ClO2 minus plus ClO minus converted into ClO3 minus plus Cl minus. Again in this reaction, the ClO one molecule, two molecule, and the three molecule. ClO, say ClO2 minus ClO, ClO2, ClO2 से दोनों molecule कट हो गए. अब हमारे पास भी क्या बच रहा है? Three molecules of ClO minus, one, two, three, and the ClO3 one molecule and the two Cl minus Cl minus. Now this is the net reaction. अब हम बात करते हैं two step में reaction हुई है. Step first, step second. इन दोनों में से this is the slow step. And this is fast step. तो rate expression लिखेंगे तो किस पे depend करेगा? The R equals to K ClO minus concentration. कितने हैं molecules? And two molecules in a slow step. So that is the bimolecular reaction. And the order is now the next topic is the pseudo first order reaction. यानी यहाँ पे जब हम pseudo first order से क्या समझते हैं, pseudo का मतलब होता है हमें दिखता कुछ है और होता क्या है. ओके, एंड द फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, यानी कि pseudo first order reaction. इट मीन्स दैट हमें लगेगा कि जो ऑर्डर है वो रिएक्शन का एक से ज्यादा है, यानी टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट एक्चुअल में होती कौन सी है? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इस तरह की स्पीसीज जो रिएक्शन होती है उसमें जो भी सेकंड रिएक्टेंट होता है उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता, या ये कहें कि वो उसके रेट एक्सप्रेशन, जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें उसकी कंसंट्रेशन रेट, मतलब उसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करती. सो द डेफिनेशन of the pseudo first order reaction, we can say that is a reaction which have different order and molecularity, means rate of reaction depends only one reacting species, don't depend on the other ya another species because it is present in a excess. For example, kuch reaction mein अगर आपके पास में रिएक्टेंट दिया हुआ होगा तो वहां क्या दिया हुआ होगा कि जो दो रिएक्टेंट है उसमें से एक के नीचे लिखा हुआ होगा एक्सेस, या वाटर दिया हुआ होगा H2O या फिर H प्लस OH माइनस. तो इन दीज रिएक्टिंग स्पीसीज जो एक के, उसके साथ में कोई दूसरी होगी उसी पे रेट डिपेंड करेगी, ना कि H प्लस OH माइनस एक्सेस अमाउंट ऑफ एनी रिएक्टेंट एंड स्पेशल एंड वाटर ऑल्सो. नाउ फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, that is CH3 all thrice CCl plus OH minus. In this reaction, the again CH3 all thrice COH plus Cl minus formation हुआ है. अब यहां पे दो reactant है, तो यहां पे reactant तो दो हैं, यही दोनों reactant पे depend करना चाहिए जो भी आपका रेट एक्सप्रेशन. बट यहां पे जब हम बात करते हैं जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो तो यही है, बट यहां पे ये जो OH माइनस है ये क्या है, या इस पे रेट डिपेंड नहीं करती. तो इस कंडीशन में जो इसका रेट लॉ होगा वो क्या होगा, R इक्वल्स टू के सी एच थ्री ऑल थ्राइस सी सी एल द कंसेंट्रेशन ब्रैकेट एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज वन. सो द ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन is one, and the second condition is when water present in a reaction is RCOOR plus water converted into ROH plus RCOOH. Now in this condition, the water, it means that water present in a excess amount.
या वाटर की कंडीशन में हम समझते हैं कि एक्सेस है, बट कई बार क्या होता है दो रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट के नीचे अगर लिखा हुआ हो कि एक्सेस है, इट मींस दैट उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगी. सो हम इसी की बात करेंगे. तो हम जब रेट लॉ लिखेंगे तो R इक्वल्स टू K, दैट इज R CO, R कंसेंट्रेशन दैट इज 1. सो द रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इज अ 1, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बट बिहेव कैसा कर रही है, दिखाई कैसी देती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. बट एक्चुअल में होती कौन सी है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दीज टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. थैंक यू वेरी मच.